मैं जेपी शर्मा आवाज़ न्यूज़ 24 से और मैं हूँ अभी सामोद धाम बालाजी के प्रांगण में। और यहाँ पे हमारे सामने यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो सामने हैं। सर आपका नाम? रविंद्र शर्मा। शर्मा साहब आप बताएंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और ये मंदिर कितना प्राचीन है? ये मंदिर 650-700 साल पुराना है। यहाँ भारत के सभी प्रांतों से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि पास में सामोद होटल होने के कारण विदेशों से भी लोग आते हैं, फॉरेनर भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब बालाजी को मानने वाले आते हैं, और भी क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं यहाँ? तो सभी बालाजी को मानने ही वाले आते हैं जी। जो बाबा लाल जी के भक्त हैं, जो मनोती मान रखे हैं लेते हैं लोग, उनकी मनोतियाँ पूर्ण होने पर आते हैं जी। और मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ गौशाला चलाई जाती है, ये वेद विद्यालय चलाया जा रहा है यहाँ जी जी। और क्या क्या कार्यक्रम? वेद विद्यालय चलाया जाता है, गौशाला चलाई जाती है। वेद विद्यालय में किस चीज़ के वेद पढ़ाए जाते हैं? यहाँ शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया जाता है जी। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ? भारत के बच्चे, भारत के से मोस्टली उत्तर भारत के हैं और नेपाल के ही बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। नेपाल से भी हैं जी? और दूसरी कोई और दूसरा देश भी है क्या ऐसे जो बच्चे यहाँ आते हैं? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे लोग अभी हमने देखा रास्ते में कुछ वो बनाते हैं मकान जैसे, वो उसकी मान्यता क्या है? लोग अपनी मनोती ऐसा मानना है लोगों का कि अगर हम यहाँ वो मकान बना कर जाएंगे तो बालाजी महाराज हमारा भी ऐसा ही मकान बनवाएंगे जल्दी से, ऐसी मनोती मांगते हैं जी जी जी। ये अभी सिद्धियों का रास्ता जो चल रहा था अभी, ये जो रास्ता पैदल वाला बनवाया है तो ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ बता सकते हैं? देखो ये जो रास्ता है, जो रैंप बनवाया गया है, ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है जी। अब ये धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, अब टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में। तो यहाँ सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है? नहीं, रास्ते में सरकार कोई सहयोग नहीं है, सरकार ने नीचे पार्किंग वगैरह में जेडीए जो रसोई वगैरह बनवाई है सरकार ने जी। मैं जेपी शर्मा आवाज़ न्यूज़।